और जो भी जानी चोर ने पकड़न का बीड़ा ठाओगा उसने बहुत सा इनाम मिलेगा और वो सबसे वफादार सिपाहिया मद मान्या जाएगा। इब एक धम्मल सुनार था अदली खां के दरबार में, वो कहने लग गया कि मैं बीड़ा ठाऊंगा जानी चोर ने पकड़न का। तो धम्मल सुनार बीड़ा उठा लेता है और जब दरबार में जब चालिया तो मन में के सोचता चाल रहा था धम्मल सुनार भला भाई जानी के बारे में बीड़ा ठालिया पान का लई नंगी तेब हाथ में शेर काटू बेईमान का रे जानी के बारे में बीड़ा ठालिया पान का लई नंगी तेब हाथ में शेर काटू बेईमान का रे जानी के बारे में बीड़ा ठालिया अपने मन में न्यो जाने से ना कोई मेरी शान का नई नंगी देख मैं सर का तू गई मान का जाने के बारे में पीड़ा खालिया पान का अपनी जान का ले
ला रोटी जमाया करीता करी मैं टुकड़ा ना पाया करी देना भाई चोर कर देना पाया करता मर्द जबान का नहीं नंगे तेरा जमें सर का ढूंढे ईमान का जाने के पाए मैं बीड़ा जानिया पान शहर का सहम करया मन खाटा खुल जा तुरंत खाने का डाटा खाने का डाटा लक्ष्मी चंद के दौर न खाटा लक्ष्मी चंद भाई सच्चे ज्ञान का नहीं नंगी ते बाबू मैं सर का तू बेईमान का रे जने के पाए मैं बीड़ा कालिया पान का नहीं नंगी ते हाथ मैं सर का तू बेईमान का ठीक है सुदामा, अगर तुम कृष्ण जी को अपना यार बताते हो और एक गुरु के चेले बताते हो तो मैं अभी जाकर कृष्ण जी से सारी बातें बताता हूं, तुम यहीं ठहरो। ठीक है। महाराज की जय हो। आओ द्वारपाल, कैसे आना हुआ?